KBPS News। FICCI की 93वीं वार्षिक आम बैठक, उद्घाटन सत्र को डिजिटल माध्यम से संबोधित करेंगे पीएम मोदी। विदेश मंत्रालय का बयान, अमेरिकी में किसी भी दल की सरकार हो, भारत को हमेशा मिलता रहा है समर्थन, विदेश मंत्रालय। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह हुई हल्की बारिश, 12 घंटे ठप रही निजी चिकित्सा सेवाएं, इलाज को भटके मरीज। IAMA के सदस्य चिकित्सक रहे हड़ताल पर, जुलूस निकालकर सौंपा ज्ञापन। अमरोहा, दुष्कर्म के बाद त्रिशूल घोंपकर हत्या के मामले में तांत्रिक को उम्र कैद। आज मुरादाबाद आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज मुरादाबाद में रहेंगे CM, 5 घंटे तक शहर में नहीं प्रवेश कर सकेंगे भारी वाहन। मुरादाबाद के ध्रुव अपहरण कांड की सुनवाई टली, दूसरी अदालत में सुनवाई की अर्जी दाखिल। मुरादाबाद के कैफे संचालक को साइबर ठगों ने लगाया 40,000 रुपये का चूना। यूपी सरकार के लव जिहाद अध्यादेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती, असंवैधानिक घोषित करने की मांग। यूपी में अगले 3 घंटों के दौरान बारिश और बिजली गिरने की संभावना, 2 दिन बाद और बढ़ेगी ठंड। यूपी में बड़ी टीम प्रियंका, मुस्लिम ब्राह्मण और क्षत्रिय का समीकरण भी सादा, इन्हें मिली जगह। उत्तर प्रदेश कोरोना वायरस अपडेट, यूपी में बुजुर्गों में बढ़ रहा कोरोना वायरस का संक्रमण, सावधान रहें। UPPRBP ने जारी की पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को आवंटित जिलों की लिस्ट। इंडियन रेलवे रेलवे यात्रियों को फिर से देगा विश्रामालय और डॉर्मेट्री की सुविधा, कंबल घर से लेकर आए। यूपी में अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी होगी दूर, सीधे लेवल 2 पर भर्ती होंगे PG पास विशेषज्ञ। गोरखपुर, मां ने किशोरी को बालिका वधु बनाकर बेचा, थाने पहुंचकर किशोरी ने सुनाई पीड़ा। प्रदूषण, कोहरे के बीच लाल घेरे में रहा मुरादाबाद। किसानों का प्रदर्शन, तेज करनाल में टोल प्लाजा किया फ्री, यूपी में PAC की तैनाती। बेटे के लापता होने पर थाने पहुंचे पिता की छत पर भी मिला उसका कंकाल। दिल्ली, पहचान छुपाकर मंदिर में ही की शादी, झूठ पकड़ा गया तो लड़की से की मारपीट। पीएम मोदी पर कपिल सिब्बल का तंज, कहा 2014 में आपने सब कुछ कहा और कभी भी नहीं सुना। 2 IPS अफसरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट, सिंधु बॉर्डर पर करवा रही है फ्री में COVID-19 टेस्ट। कनाडा, UK और बहरीन के बाद अमेरिका में फाइजर के COVID-19 वैक्सीन को मंजूरी दी गई।